हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली नेटो समिट कंक्लूड हुआ है 2018 का ब्रसल्स में, और आपको याद होगा कुछ हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी G20 समिट के एनालिसिस पर। उस वीडियो में मैंने मेंशन किया था कि आने वाले टाइम में जो नेटो समिट होगा बहुत ही ख़राब जाएगा, नेटो के अंदर काफ़ी जो यूनिटी है उसमें कमी देखने को मिलेगी। और आज के टाइम में नेटो में यूनिटी इतनी ज़रा कम हो गई है कि नेटो की एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि USA इतना एंग्री क्यों है नेटो पर, ट्रंप जो भी यहाँ पर एक्यूजेशंस लगा रहे हैं नेटो पर क्या वो सही हैं। उसके बाद हम ये भी एनालाइज करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक ईरान डील से पुल आउट कर लिया, पेरिस क्लाइमेट डील से पुल आउट कर लिया, क्या वो US को नेटो से भी बाहर निकाल सकते हैं? अगर ऐसा होता है तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी क्या होंगे, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जो भी हो रहा है ये इसका इम्पैक्ट इंडिया पर किस तरीके से होगा, हम यहाँ पर ये भी डिस्कस करेंगे। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर वी बिगिन मैं बता दूँ कि स्टडी IQ के पेन ड्राइव और एंड्रॉइड कोर्सेज आते हैं सब एग्जाम्स के लिए, SSC, बैंक, UPSC, नबार्ड, RBI, ग्रेड बी, वेरियस एग्जाम्स के आप पेन ड्राइव या एंड्रॉइड कोर्सेज खरीद सकते हैं studyiq.com पे। तो रिसेंटली नेटो का एनुअल समिट हुआ ब्रसल्स में, 2018 का समिट था ये, और ब्रसल्स आपको मिलेगा बेल्जियम में, ठीक है। अभी आपको मैप पे दिखा दूंगा कहाँ पे है। और ये देख लो, ये 29th फॉर्मल मीटिंग थी यहाँ पे नेटो के हेड्स ऑफ स्टेट की, और ये 11 से लेकर 12 जुलाई तक हुआ। और वैसे नेटो के जो हेडक्वार्टर्स है ये भी आपको ब्रसल्स बेल्जियम में ही मिलेंगे। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हमको जाना होगा नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ। और यहाँ पे अगर हम गए तो आ गया यूरोप। यूरोप में आप देखोगे दो मेजर कंट्रीज हैं यहाँ पे, जर्मनी और फ्रांस, इनके बीचों बीच आपको एक छोटा देश मिलेगा जिसका नाम है बेल्जियम, और इसकी कैपिटल है ब्रसल्स। ब्रसल्स आप देखोगे यहाँ पे है बीचों बीच, और बेल्जियम चार कंट्रीज से घिरा हुआ है, जर्मनी, नेदरलैंड्स, लक्समबर्ग, फ्रांस। और बेल्जियम एक लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। एक सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, यहाँ पर देखो ये है UK, यूनाइटेड किंगडम, और ये है फ्रांस, यहाँ पर बीचों बीच जो ये वाटर बॉडी है इसको क्या कहते हैं? बहुत ही इजी ये क्वेश्चन है, आपने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। पहली बात देखो, नेटो एक ग्रुप है, नेटो की फुल फॉर्म है द नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 29 मेंबर्स हैं, सारे मेंबर्स इनके या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, उसके अलावा यहाँ पे आपको कोई परमानेंट मेंबर नहीं मिलेगा। इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था 1949 में सोवियत यूनियन से कॉन्फ्लिक्ट को रोकने के लिए, क्योंकि देखो नेटो का जो कोर कॉन्सेप्ट है इसके आर्टिकल 5 में है। आर्टिकल 5 जो है नेटो का, उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई भी देश अगर किसी भी नेटो कंट्री पे अटैक करता है तो सारी नेटो कंट्रीज़ मिलके उस कंट्री पे अटैक करेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारी नेटो कंट्रीज़ हैं, अल्बेनिया, बेल्जियम, 29 कंट्रीज़ है। यहाँ पे ऑफ कोर्स ये नेटो जो सेक्ट्री है इसको छोड़ देना, ठीक है। तो 29 कंट्रीज़ आपको यहाँ पे दिखेगी। मान लो कल को मोदी जी कहते हैं कि मित्रों हम स्पेन पे अटैक करेंगे, स्पेन एक नेटो कंट्री है, तो ये सारी कंट्रीज़ मिलके हमारे प्यारे भारत को अटैक करेगी। तो ये इनका सिस्टम है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, बहुत सालों से ये खड़ा रहा है। और आज के टाइम में देखो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि नेटो की फंडिंग कौन करेगा, ये जो डिफेंस है इसका खर्चा कौन उठाएगा। सुनने में ये कॉन्सेप्ट बहुत ही सुंदर लगता है, ऑल फॉर वन, वन फॉर ऑल, किसी पर भी अटैक होता है तो सारे नेटो के मेंबर्स उसको डिफेंड करने के लिए आ जाएंगे, सिक्योरिटी रहती है। मगर देखो यहाँ पे प्रॉब्लम नेटो की आज के टाइम में ये है कि कंट्रीज़ डिफेंस पर स्पेंड नहीं कर रही। नेटो का जो फ्रेमवर्क है वो ये नहीं कहता कि नेटो की खुद की कोई आर्मी होगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल संयुक्त राष्ट्र की खुद की एक सेना है, ठीक है, उसको ब्लू हेलमेट जो कहते हैं हम, वो दुनिया भर के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर अपने सोल्जर्स भेजते हैं। नेटो का ये सिस्टम नहीं है, नेटो में हर कंट्री खुद की एक आर्मी मेंटेन करती है, मगर नेटो के फ्रेमवर्क में ये लिखा हुआ है कि अगर नेटो को सक्सेसफुल बनाना है, नेटो को स्ट्रांग रखना है, तो हर कंट्री को 2% तक खर्चना होगा अपनी टोटल GDP का डिफेंस पर। अब क्या है कि बहुत सालों से बहुत सारी कंट्रीज जैसे फॉर एग्जांपल जर्मनी, फ्रांस, ये 2% नहीं खर्च रही यहाँ पर डिफेंस पर। क्यों नहीं खर्च रही? क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहते कि इतना सारा खर्चा वो करे डिफेंस पे, क्योंकि इनको ज़रूरत महसूस नहीं होती। क्यों महसूस नहीं होती? क्योंकि USA नेटो का पार्ट है, और ये मानते हैं कि कभी अगर खतरा आता भी है तो USA नेटो के आर्टिकल 5 के अंडर बाउंड हो जाएगा इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और इनको खुद इतना खर्चने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए आज के टाइम में बहुत सारी जो नेटो कंट्रीज़ हैं ये डिफेंस पे ना खर्च के यूनिवर्सिटीज़ पर, स्कूल्स पर, कॉलेजेस पर, और आपने सुना होगा यूरोप के वेलफेयर स्कीम्स काफ़ी फेमस है, यहाँ पे एजुकेशन फ्री है, आप अगर अनएम्प्लॉयड है, नौकरी नहीं है तो सरकार आपको कुछ पैसे देती है। तो वेरियस जो इनकी वेलफेयर स्कीम्स हैं ये तभी आ पाती है जब इनको डिफेंस पे नहीं खर्चना होता।
अब आपके माइंड में ये होगा कि इंडिया कितना खर्चता है डिफेंस पे अपनी टोटल जीडीपी का। देखो इंडिया नेटो का मेंबर नहीं है, मगर तब भी इंडिया सिर्फ 1.58% खर्चता है अपनी टोटल जीडीपी का डिफेंस पर। कंपेयर दिस टू पाकिस्तान, पाकिस्तान अपनी जीडीपी का बहुत ही बड़ा परसेंटेज डिफेंस पे खर्चता है, इसलिए आज के टाइम में इकोनॉमिकली वो काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है वेरियस कंट्रीज़ पर। अब यहाँ पर हमको ये क्वेश्चन पूछना होगा कि क्या ट्रंप सही कह रहे हैं। ट्रंप का बेसिकली जो मुद्दा यही है कि सारी जो जिम्मेदारियाँ नेटो की सिक्योरिटी की वो यूएसए पे आ रही है, बाकी कंट्रीज़ नहीं खर्च रही। देखो बात सही है, क्योंकि आप अगर वैसे देखो, ये मैं आपको ऐसे पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूंगा ये पूरा चार्ट, यहाँ पे इस चार्ट में लिखा हुआ है कि कौन सी कंट्री इस वक्त नेटो में कितना खर्च रही है खुद के डिफेंस पर। तो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा डिफेंस पे खर्चता है यूएसए। पहली बात तो इनकी जो टोटल इकोनॉमी है वही बहुत ज़्यादा बड़ी है, और ये जो टोटल इनकी जीडीपी है इसका 3.58% खर्चते हैं डिफेंस पर। तो बाकी नेटो कंट्रीज़ को लगता है कि सिर्फ यूएसए ही इतना यहाँ पे खर्च रहा है तो हमको आवश्यकता क्यों है। तो यहाँ पे आप देखोगे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो ये 2% का मार्क ही है, ये जो मार्क है ये 2% का है, इससे भी कम खर्चती है। फॉर एग्जांपल फ्रांस बहुत कम खर्चता है, टर्की, जर्मनी, पोर्टुगल, कनाडा, क्रोएशिया, ये सब कंट्रीज़ अपने लोगों पे खर्च रही है, यहाँ पर डिफेंस पे नहीं खर्च रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इससे यूएसए को नुकसान हो रहा है, और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कह दिया है कि आने वाले समय में वो चाहते हैं कि यूएसए की जो डिफेंस स्पेंडिंग है ये कम हो और इन कंट्रीज़ की बढ़े, ताकि नेटो प्रॉपरली काम करे और सारा जो वजन है इसका ये यूएसए पर ना आ जाए। तो नेटो का समिट बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहा, डोनाल्ड ट्रंप ने हर कंट्री को यहाँ पे टारगेट किया, स्पेसिफिकली जर्मनी को। अब जर्मनी को डोनाल्ड ट्रंप ने इतना टारगेट क्यों किया और इसको मीडिया ने इतना रिपोर्ट क्यों किया, देखो बहुत ही सिंपल यहाँ पे रीज़न है। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक्सपेक्ट किया जाता है कि जर्मनी सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा नेटो में, कोई भी एक्सपेक्ट करेगा, मगर जर्मनी सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, ऑलमोस्ट सबसे कम कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है नेटो में। और यहाँ पे देखो डोनाल्ड ट्रंप ने डेडलाइन दे दी है जर्मनी को कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर जर्मनी को अपनी टोटल जीडीपी का 2% डिफेंस पे खर्चना होगा। और जर्मनी ने यहाँ पे ये कहा है कि हम इमीडिएटली ऐसा नहीं कर सकते, हमको कम से कम यहाँ पे 6-7 साल का समय चाहिए, हमें 2025 तक का समय चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमारा जो टोटल प्लान है, हमारा जो डिफेंस का प्लान है, एजुकेशन का प्लान है, और जो हमको सिटीज़ अभी डेवलप करनी है वो सब प्लान बन चुके हैं, हम इसको रेडिकली चेंज नहीं कर सकते। तो इस बात को लेकर जर्मनी और यूएसए के बीच में काफ़ी बड़ा इशू चल रहा है कि जर्मनी कब 2% स्पेंड करना शुरू करेगा अपने डिफेंस पर। अब देखो इस सब के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बात मेंशन करी है कि नेटो आज के टाइम में एग्जिस्ट करता है रशिया से यूरोप को प्रोटेक्ट करने के लिए। मेन जो आज के टाइम में यूएसए को थ्रेट किस कंट्री से है, रशिया से ही है। चाइना भी उभर रहा है मगर मिलिटरीली वो भी रशिया से काफ़ी पीछे हैं, और रशिया के पास काफ़ी हद तक न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। तो सबसे ज़्यादा जब उनको थ्रेट ही रशिया से है, तो जर्मनी जैसी कंट्रीज रशिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील क्यों कर रही है? क्योंकि देखो जर्मनी ने रिसेंटली रशिया के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डील करी थी एक गैस पाइपलाइन की। ये आपके सामने मैप है यूरोप का, यहाँ पे आप देखोगे सेंट पीटर्सबर्ग के ऊपर यहाँ पर रशिया की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, और यहाँ पे आप देखोगे ये है यहाँ पर जर्मनी। तो यहाँ पे एक प्लान है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गैस पाइपलाइन बिछाने का। आपको पता है रशिया के पास नेचुरल गैस बहुत सारी है, तो रशिया यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा जर्मनी को नेचुरल गैस बिलियंस ऑफ डॉलर्स की। ये जर्मनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनकी एनर्जी नीड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर देखो प्रॉब्लम यह है, यूएसए ये कह रहा है कि एक तरफ तो आपको रशिया से प्रोटेक्शन के लिए यूएसए की आवश्यकता है, दूसरी तरफ जिस कंट्री से आपको प्रोटेक्शन चाहिए उसी कंट्री को आप यहाँ पे बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहाँ पे कर रहे हो। तो इस गैस पाइपलाइन के भी डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी हद तक खिलाफ हैं, और आज के टाइम में ये एक बहुत ही बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन बन गया है यूएसए और यूरोप के बीच में। वेरियस इश्यूज हैं, एक तो फंडिंग का इशू है, फिर यहाँ पर ये भी इशू है कि गैस पाइपलाइन क्यों बनाई जा रही है। और इस सब से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल नेटो की जो यूनिटी है, जो उनकी एकता है, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ रहा है। उसका शाइनिंग एग्जांपल मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। देखो जर्मनी को डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी कुछ यहाँ पे कहा गैस पाइपलाइन की वजह से, और खर्चों डिफेंस पर, ये सब बोला। अब जर्मनी में भी मीडिया है, ये रिपोर्ट करते हैं, अपने लोगों को ये बात बताते हैं, तो वहाँ पर लोग इस वक्त ये मान रहे हैं कि यूएसए कौन होता है हमको ये बताने वाला कि हमको कितना पैसा डिफेंस पे खर्च करना है। क्योंकि आज के टाइम में जर्मन्स, उनको आदत हो गई है वेलफेयर की,
फ्री एजुकेशन की, बहुत सारी चीज़ें उनको वेलफेयर के रूप में चाहिए। तो अब उनको काफ़ी अजीब लगता है कि अब सडनली वो 2% जब खर्चेंगे जीडीपी का तो बहुत सारी और चीज़ों के लिए पैसे कम होने वाले हैं उनके पास। तो इस बात को लेकर उनकी जो पब्लिक है काफ़ी खफा है। और रिसेंटली जर्मनी में एक बहुत ही बड़ा पोल हुआ था, काफ़ी बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ ने मिल के एक पोल किया था, उसमें ये बताया गया कि 42% जो जर्मन पॉपुलेशन है वो ये चाहती है कि जर्मनी से US ट्रूप्स निकल जाए। और इससे देखो हो क्या सकता है, अभी जर्मनी में चांसलर है वहाँ पर एंगला मर्कल, आने वाले टाइम में हम ये देख सकते हैं कि जर्मनी में इलेक्शन के टाइम में एक मुद्दा बन जाए कि एंटी US बनना है, ठीक है। एक कोई वहाँ पे राजनेता देख सकता है कि मूड है पब्लिक का कि बहुत सारे लोग जो हैं वो USA के अगेंस्ट हैं, तो इसी बात पे अपने कैंपेन को भी खड़ा कर सकते हैं कि जर्मनी को वो नेटो से निकालेंगे, वो 2% नहीं खर्चने वाले डिफेंस पर, ये बाकी जो पैसे हैं ये अपनी पब्लिक पे खर्चेंगे। और वेरियस और तरीके से ये जर्मनी को नेटो से बाहर निकालने के लिए कैंपेन कर सकते हैं। तो ये आज के टाइम में एक बहुत ही बड़ा इशू बना हुआ है जर्मनी में। तो ये तो थी जर्मनी की बात, साथ में फिर USA में जो डोनाल्ड ट्रंप की अब नई नीति बन रही है वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद वो USA को नेटो से पुल आउट कर लेंगे। उन्होंने हिंट यहाँ पे ड्रॉप किए हैं कि शायद उनको लगे कि नेटो की आवश्यकता ही नहीं है, USA इतना स्ट्रांग है, उस पर कोई अटैक करेगा नहीं, वो बाकी कंट्रीज़ के यहाँ पे डिफेंस पर क्यों पैसा खर्चे। तो आने वाले टाइम में हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कोशिश करें कि USA को वो नेटो से बाहर निकाले। अब देखो एक टाइम था इतिहास में, मैं जानता हूँ आप ये सुन के कहेंगे कि नहीं ये होने के चांसेस काफ़ी कम है, मगर एक टाइम था जब आप कह सकते थे कि ये नहीं हो सकता, ये काफ़ी ज़्यादा अनलाइकली लग रहा है, ऐसी धमकियाँ दी जाती है मगर कंट्रीज ऐसा कुछ करती नहीं है। मगर जिस युग में हम अब जी रहे हैं, जो इस वक्त प्रेजिडेंट है USA के, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वो कहते हैं वो कर ही देते हैं। उन्होंने कहा था कि ईरान डील से USA को बाहर निकालेंगे, कर दिया। उन्होंने कहा कि पेरिस क्लाइमेट डील से USA को बाहर निकालूंगा, वो भी कर दिया। उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो इसराइल में USA की एम्बेसी है उसको वो तेल अवीव से शिफ्ट करके जेरूसलम में ला देंगे, उससे काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ USA का, मगर तब भी उन्होंने सब कुछ इग्नोर करते हुए ये भी कर दिया। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले टाइम में USA के प्रेसिडेंट ये भी कोशिश करें कि नेटो से USA को बाहर निकालें, क्योंकि वो ये मानेंगे कि देखो सिंस बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं ये 2% नहीं खर्च रही और USA को डिफेंस के लिए कुछ प्रॉब्लम है नहीं, कोई भी कंट्री USA को अटैक नहीं करने वाली, USA आज के टाइम में डिफेंस के मामले में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग खुद ही बन चुका है, तो बाकी कंट्रीज़ के डिफेंस का खर्चा वो क्यों उठाए। तो ये एक इशू बन सकता है और डोनाल्ड ट्रंप खुद ही USA को निकाल सकते हैं। अब ये क्वेश्चन ये बनता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के पास अकेले ये पावर है, क्योंकि इससे पहले जिस तरीके से वो ईरान डील से, पेरिस क्लाइमेट डील से निकाल पाए USA को, वो उन्होंने अकेले ही कर लिया। उनको वापस जो सेनेट हैं, जो वहाँ पे सेनेटर्स हैं, कांग्रेसमैन हैं, उनसे वार्तालाप करने की कोई उनको आवश्यकता नहीं पड़ी। तो क्या नेटो के साथ भी ये ऐसा कर सकते हैं? तो इस सवाल का आंसर है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्जीक्यूटिव पावर की जो उनके पास अथॉरिटी है, जो उनके पास ये पावर है, वो नेटो पे काम नहीं करेगी। अगर उनको USA को नेटो से बाहर निकालना है तो उनको US कांग्रेस का अप्रूवल चाहिए होगा, उनको खुद की रिपब्लिकन पार्टी के जो सेनेटर हैं, जो डेमोक्रेट्स हैं, उनको मनाना होगा और एक सहमति जतानी होगी, तो ही जाकर वो USA को नेटो से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि नेटो एक बाइंडिंग एग्रीमेंट है, ठीक है। तो लीगली ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता। अब ये हम इमेजिन करके देखें, अगर मान लो यहाँ पे USA की जो कांग्रेस है वो भी ये बात मान जाती है और डोनाल्ड ट्रंप आने वाले टाइम में फिर से इलेक्शन जीत जाते हैं और सेकंड टर्म में वो कहते हैं कि नहीं वो USA को नेटो से बाहर निकालेंगे ही निकालेंगे, तो इससे इम्पैक्ट क्या होगा? देखो इम्पैक्ट बहुत ही सिंपल है, सबसे ज़्यादा इससे जीत मिलेगी रशिया को, ये व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे बढ़िया बात होगी। फाइनली यूरोपियन कंट्रीज़ पर नेटो की सुरक्षा का कवच नहीं होगा। अगर व्लादिमीर पुतिन चाहें तो एस्तोनिया, लत्विया, लिथुएनिया, उनको भी क्राइमिया की तरह हथिया सकते हैं, काफ़ी उन पर प्रेशर डाल सकते हैं, वेरियस उन पर टैक्टिक्स आजमा सकते हैं, तो ये रशिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो सकती है। दूसरी बात यहाँ पर ये है, ये इंडिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात होगी अगर नेटो की यूनिटी टूटती है या फिर नेटो से USA खुद को पुल आउट कर लेता, क्योंकि फिर इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है USA के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज के टाइम में देखो नेटो के बहुत सारे मेंबर हैं, क्रोएशिया, बेल्जियम, इनकी क्या USA को आवश्यकता, मगर तब भी इनकी जो सिक्योरिटी है इसका खर्चा USA को उठाना पड़ता है नेटो की वजह से। मगर जब ये जो सारी कंपल्शन है ख़त्म हो जाएगी तो नेटो फोकस कर पाएगा उन पार्टनर्स पर जो जेन्युइनली US की सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल चाइना को कंटेन करने के लिए सबसे बढ़िया आंसर उनके पास है इंडिया, तो इंडिया की जो इंपॉर्टेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि इंडिया और US का जो कॉपरेशन है वो बढ़ भी सकता है, मगर ये सब डिपेंड करता है कि नेटो का फ्यूचर आने वाले टाइम में क्या होगा। तो ये था पूरा एनालिसिस इस पूरी सिचुएशन का। मैं जानना चाहूँगा कि इस पे आपके क्या विचार हैं, आपकी क्या थ्योरी है,
आप किस तरीके से इस पूरे ये जो समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं उसको किस तरीके से आप एनालाइज कर पाए हैं, और ये आपका जो यूपीएससी का जो जीएस पेपर है उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आप लिख सकते हैं इसके बारे में कि नेटो का फ्यूचर क्या हो सकता है, इंडिया पे क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और मोर इम्पोर्टेंटली नेटो आज के टाइम में रेलेवेंट है भी या नहीं। तो ये है हमारी वीडियो का अंत। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।